सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज के न्यू व्लॉग में फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज फाइनली वन ईयर बाद वीडियो को डाल रहा हूँ दोस्तों। वीडियो ना डालने का एक रीज़न था, और रीज़न क्या था आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है, आने वाली वीडियो में। तो एक्चुअली अभी हम लोग जाने वाले हैं कीर्तन में, वहाँ पे इस्कॉन के कुछ भक्त लोग आने वाले हैं। तो चलिए आज उन लोग से मिलते हैं, कुछ बातचीत करेंगे, तो फाइनली हम लोग वहाँ पे चल के बात करते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी देखिए प्रसाद का कार्य चालू है, अभी प्रसाद बन रहा है। तब तक आप लोग व्लॉग वीडियो बन रही है, और आगे और क्या क्या होता है आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कीर्तन भवन में। अभी आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि कीर्तन हो रहा है, तो चलिए आप लोग को भी सुनाते हैं कुछ कीर्तन। और क्या ही बोलूँ, अभी हमको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एक्चुअली वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना फेस वीडियो बना सकूँ वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो इनका जो लड़का जो है हरिनाथ, तुलसी हरिनाथ जो है ओमान में है, वो कम से कम कई लोगों को भक्ति प्रदान कर रहा है। वो लोग आते हैं उनका क्लास में, वो डेली हम जूम के ऊपर से जाते हैं, तो वही भक्त बनाया है। देखिए तो इनकी पूरी फैमिली भक्ति में लगी हुई है, इनकी फैमिली पूरी भक्ति में लगी हुई है। तो वो बाहर के विदेशों में जाकर के लोगों से जप करवा रहा है। यस, हजारों आदमी को बनाए हुए हैं। ब्रह्म का आहार आधार, ज्योति का आधार नहीं, ऐसा भगवान ने बताया, भगवान कृष्ण ने।
और जब अर्जुन पूछ रहा है कि मैं निराकार की पूजा करूं या साकार की पूजा करूं, तो भगवान बता रहे हैं कि निराकार स्वरूप की पूजा करना बहुत मुश्किल है। शेषो दिखता सर्वेशा आवयत सप्त चेतसा, बहुत बहुत मुश्किल है। निराकार रूप में आप मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत ध्यान करना पड़ेगा। नियम नियम आसन ध्यान बहुत कुछ करना पड़ेगा, प्राणायाम सब कुछ, तब जाके निराकार स्वरूप को हम ब्रह्म ज्योति में ले मिल पाएंगे, तब हम उनको निराकार ब्रह्म तक पहुँच पाएंगे। तो ये साकार की पूजा करना, हरे कृष्णा बोलना है और भगवान को प्रसन्न करना है, इतना सिंपल है। भगवान कह रहे हैं उस तक पहुँचना बहुत सरल है। राजा एक मिनट तक चार माला करो, दूसरे मिनट आठ माला और तीसरे मिनट सोलह, ठीक है? कौन सा देना बाकी सब मुझे कॉमेस और कौन है बाकी सब? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंद। मम्मी का कौन मम्मी दादा आपका बेटे कितना अच्छे से बोलू जरा आपका माला कहाँ है? मैं किससे कर लू ज्यादा अच्छा है? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनो सुनो आप इसी से जाने जाते हैं। अभी हमने समझा है ना जी, तो चर्चा समझा ना, तो सूजी कैसे प्रसन्न होंगे? सूजी जब आप कृष्ण की चर्चा करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, तब सूजी प्रसन्न होंगे। देखो यहाँ पे क्या सुनो सुनो यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ जो करते हो करना, दिमाग नहीं चला तो दिमाग क्या हो गया हम आपको। क्या नाम बताए? तो ये देखिए सूर्या देवी के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए आप लोग, कि उन्होंने साहस करके इस उम्र में आकर के ये समझ गई कि जिंदगी का वास्तव में अर्थ क्या है। तो सूर्या देवी ने एक साहस करके आग से माला जपेंगे। माला नहीं दूंगा नहीं, अगर दोनों का अपना वो एक माला कितने माला करेगी? चलिए गाइज वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।